नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजियाबाद के रहने वाले ये लोग अयोध्या में बीजेपी के हारने पर वहां के लाखों लोगों को गालियां देने वाले दक्ष चौधरी और अनु चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 295A 504 में FIR दर्ज हुई है। दोनों हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। दक्ष ने ही दिल्ली में कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। आगे जिसका खाया उसी पे दिया तुमने है। तुम पे आज देश से बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम त्रस्ते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमक हरामों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया। और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी गए उसे तुमने हरा दिया है। अरे हमारे जैसे भी जो योद्धा लड़ रहे हैं किसके लड़ रहे हैं भाई? देश धर्म के हित के लिए। ये अपने स्वाभिमान पर्सनल स्वाभिमान की लड़ रहे हैं क्या हम? ये लड़ाई स्वाभिमान की है, देश धर्म की है। वो बहनचोद रामपुर गांव जिसमें सारे बहनचोद 532 घर बना के दिए बीजेपी ने और एक भी सारी पूरी वोट मुसलमानों की और एक भी वोट नहीं दी बीजेपी को। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और तुम अपनी जाति मान अपना स्वाभिमान है। राम जादो गद्दारो भाई एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बढ़ा रहा, धर्म बढ़ा रहा है, जाति बढ़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। तो भैया इसका भुगतान देना पड़ेगा तुम लोगों को। उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी गद्दारों। हम जेल काट रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, हम तो मुकदमे खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं भाई? अपने स्वाभिमान के लिए, अरे देश धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए है। वो अकेला आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी धर्म के लिए राष्ट्र हित के लिए दी, अरे क्या मिल गया तुमने? आज दिनांक 6 जून 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें मतदाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके आधार पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधि कार्यवाही प्रचलित है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।